So, dear children, let us begin with the heat conduction through a composite slab. For the heat conduction through the composite slab, we imagine that we have this type of setup in which the two different materials having different thermal conductivities, these are joined together, these are glued together, yeah, these are cemented together, aap keh sakte hain, in this manner beta. Ye aapke paas ek material jisko aapne kuch is tarike se manage kar rakha hai. ये वाला पार्ट इस तरीके से है और दिस वे बेटा ये फर्स्ट पार्ट आपका जो है यहां पर दिस इज हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी के वन दिस इज हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी के टू बेटा जिस तरीके से आपने थर्मल कंडक्शन लास्ट टाइम डिस्कस किया था आप ऑलरेडी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हो यहाँ पे हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये एक मटेरियल आपका है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के वन है एक्स वन इसकी बेटे जो है ये थिकनेस है और इसी तरीके से एक्स टू आपका जो है इस पार्ट का जो है थिकनेस है और डियर चिल्ड्रन आप इन दोनों को अलग अलग टेम्परेचर्स पर मेंटेन करके रखे हुए हैं यहाँ पे टेम्परेचर सपोज कर लीजिए थीटा वन है एट द इंटरफेस द टेम्परेचर इज थीटा नॉट एंड एट दिस एंड लेट द टेम्परेचर बी थीटा टू टी वन टी टू लिख लीजिए थीटा वन थीटा टू लिख लीजिए जैसे भी आपको अकॉर्डिंगली मैनेज आप कर सकते हैं आप इनको जिस तरीके से मर्जी डिनोट कर सकते हैं सो डियर चिल्ड्रन आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कंपोजिट स्लैब का मीनिंग सबसे पहली तो बात ये क्या है आपने दो अलग अलग जो मटेरियल हैं, इन बेटे अलग अलग मटेरियल्स को यहाँ पर एक उनको दोनों को ग्लू कर दिया सीमेंटेड टुगेदर करके आपने ये सिस्टम अपना बना दिया तो ये यहाँ पे आपके पास इंटरफेस है और यहाँ पे इंटरफेस है जिस जगह पर आपने दोनों अलग अलग कंडक्टिविटी वाले ब्लॉक्स जो हैं इनको जोड़ करके रखा हुआ है सो थीटा वन टेम्परेचर इस फेस का और इस फेस का थीटा टू टेम्परेचर इसको आप हॉट एंड बोल सकते हो इसको आप बोल सकते हो कि इट इज द कोल्ड एंड ये इंटरफेस है आपने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है क्यू अपॉन टी फ्रॉम द हॉट एंड टुवर्ड्स द कोल्ड एंड ये निकालना है कई बार न्यूमेरिकल्स वगैरह में आपको वो टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस निकालने को भी कह देते हैं कि इंटरफेस का टेम्परेचर कितना होगा वो भी निकाल के बताइए पहला ब्लॉक आपका इस ब्लॉक के लिए मटीरियल नंबर वन कह देता हूँ इसको मैं इसको टू नंबर कह देता हूँ पहले वाले मटेरियल के लिए बेटे आपका जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होगा क्यू अपॉन टी जो होगा इट विल बी माइनस के वन ए टेम्परेचर ऑफ द हॉट फेस थीटा वन माइनस टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस और दिस एंड थीटा नॉट आप सिर्फ इतना पार्ट कंसिडर कर रहे हो बेटा सो इस पार्ट के लिए आपने ये अपना जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकाल लिया सिंपली फॉर्मूला हमने यूज किया है और हमने कुछ भी नहीं किया क्यू अपॉन टी एक नंबर ब्लॉक आपका जो है इस ब्लॉक के हॉट एंड से लेकर इस एंड तक किस रेट से हीट जो है वो ट्रेवल कर रही है वो आपने निकाल के बता दिया देन डियर चिल्ड्रन सेकेंड ब्लॉक सेकेंड फेज यहाँ पे फोकस करिएगा सेकेंड फेज पे अब ये आपका कोल्ड एंड है ये एंड आपका जो है इसके कंपैरेटिवली हायर टेम्परेचर पे होगा और यहाँ पे जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा इट विल बी माइनस के टू ए एंड
इट विल बी देन थीटा नॉट आपका अब ज्यादा टेम्परेचर पर है, थीटा टू आपका अब आप लोअर टेम्परेचर पर कंसिडर कर रहे हैं, एंड एक्स टू इट इज द थिकनेस ऑफ द ब्लॉक और ऑफ यूर मटीरियल एज सच। ये भी आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, ये भी आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, बिकॉज वी निग्लेक्ट दैट हीट का लॉस नहीं हो रहा है किसी भी और वे में। तो आपका इन अदर वर्ड्स आल्सो लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों इक्वेशंस का सेम होने की वजह से आप जो राइट हैंड साइड है बेटा दोनों इक्वेशंस का, इनको आप इक्वेट कर सकते हैं। और जब आप राइट हैंड साइड को इक्वेट करोगे इट विल बी माइनस के वन एंड दिस इज ए थीटा वन माइनस थीटा नॉट बेटे इन द डिनोमिनेटर एक्स वन, और इस टाइप पे आपके आ जाएगा माइनस के टू ए थीटा नॉट माइनस थीटा टू डिवाइडेड बाई एक्स टू बेटे। तो ये आपका साइन नेगेटिव साइन बेटे एडजस्ट हो जाएगा, दोनों तरफ सेम है, इट विल गेट कैंसल्ड बेटा। और इसकी कैंसिलेशन के बाद आप इन दोनों टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए, एक्स टू को इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, इट विल बी के वन एक्स टू ए थीटा वन माइनस थीटा नॉट दिस इज इक्वल टू एक्स वन, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज के टू ए एक्स वन एंड दिस इज योर थीटा नॉट माइनस थीटा टू। आप यहाँ पर टी वन टी डॉट एंड टी टू भी लिख सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल या प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हमारा पहला काम होगा यहाँ पर थीटा नॉट को कैलकुलेट करना, इंटरफेस की टेम्परेचर को कैलकुलेट करना बेटा। तो इंटरफेस का टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना होगा, वी विल गेट दैट के वन एक्स टू एंड ए दोनों सर्फेसेस जो हैं, दोनों आपकी जो अपोजिट वॉल्स हैं इनका आपने एरिया ए है, बिकॉज आपका जो पर्टिकुलर सेटअप अंडर कंसिडरेशन है उसकी डायमेंशन सेम है, सो दैट्स व्हाई इट विल बी ए इन बोथ द केसेस। सो आपने अब बेटे थीटा वन और थीटा टू वाली टर्म्स को एक तरफ एडजस्ट कर दीजिए, के वन एक्स टू ए थीटा वन, और डियर चिल्ड्रन इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा ना टर्म, ये उसको आप इस साइड पे शिफ्ट कर लीजिए, सो इट विल बी प्लस। अब मैंने बेटे ये वाली टर्म पहले लिखी है और इस टर्म को मैं इधर से शिफ्ट करके लेफ्ट साइड पे एडजस्ट कर दूंगा, सो आइए इसको थीटा टू वाली टर्म को एडजस्ट कर दें, वी विल गेट के टू सच एंड ऑब्वियसली ए एक्स वन एंड बेटे थीटा टू, आपने थीटा नॉट वाली टर्म्स को एक तरफ एडजस्ट कर देना है। सो इनको जब आप एडजस्टमेंट करोगे इट विल बी ये आपके पास ऑलरेडी है थीटा नॉट वाली टर्म, दिस इज के टू एंड ए एंड एक्स वन एंड थीटा नॉट प्लस ये टर्म उधर जाकर प्लस हो जाएगा, दिस इज के वन बेटा एंड एक्स के वन ए एंड एक्स टू, और साथ ही साथ बेटे आपके पास ये आ जाएगा थीटा नॉट। अब आप इन टर्म्स का बेटे एडजस्टमेंट कर दीजिए, रीशफल कर दीजिए टर्म्स को, रीशफल करने पे लेट अस सी बेटे किस तरीके से हम इनको एडजस्टमेंट करने के बाद इनको रीअरेंज कर सकते हैं। के वन एक्स टू थीटा वन प्लस के टू एक्स वन थीटा टू ए यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इसको बेटे कॉमन एडजस्ट कर लिया गया। ऑन द राइट हैंड साइड इधर आपके पास आपने थीटा नॉट आपका जो है इट कैन बी एडजस्टेड कॉमन, और ए भी आप ले सकते हो कॉमन, बाकी बच गया जी के टू एक्स वन प्लस इट इज योर के वन एंड एक्स टू, ए आपका दोनों तरफ कॉमन है, इट विल गेट कैंसिल्ड आउट बेटे, और थीटा नॉट आपका जो है इंटरफेस का जो टेम्परेचर है इट इज के वन एक्स टू थीटा वन प्लस के टू एक्स वन थीटा टू इन द डिनोमिनेटर
दिस इज के टू एक्स वन प्लस के वन एंड एक्स टू, ये आपके पास भी थे इंटरफेस का टेम्परेचर जो है ये निकल आता है, आपको मिल जाता है इंटरफेस का टेम्परेचर। सो डियर चिल्ड्रन एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ये आपका जो है कंपोजिट स्लैब। कंपोजिट स्लैब का सबसे पहली बात तो ये है कि मीनिंग क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय द कंपोजिट स्लैब। आपके पास दो बेटे अलग अलग मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका नेचर ऑफ द मटेरियल्स बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, उन दोनों मटेरियल्स को आपने बेटा एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके ग्लू करके उनको, जैसे हम अगर सिंपली अपनी लैंग्वेज में बोल दें तो जोड़ के यहाँ पे रख दिया है, किसी भी वे से आप इनको ग्लू कर सकते हो। ग्लू करने के बाद पहले ब्लॉक का आपने साइज एक्स वन इमेजिन कर रखा है, दूसरे ब्लॉक का साइज आपका बेटे एक्स टू है, और आपने जो दोनों ब्लॉक्स हैं आपके इनके टेम्परेचर्स की बात करें, अगर इसका हॉट एंड का टेम्परेचर थीटा वन है, इसके दूसरे मटेरियल के कोल्ड एंड का टेम्परेचर थीटा टू आपने इमेजिन कर रखा है, और जिस जगह पर आपने इनको कनेक्ट किया है, ग्लू किया है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप इंटरफेस बोल देते हो, इंटरफेस का टेम्परेचर आपने थीटा नॉट कह दिया गया। अब बिकॉज आपके दोनों बेटे मटेरियल अलग अलग हैं, प्रॉपर्टीज अलग हैं, हमने इमेजिन किया कि पहले की थर्मल कंडक्टिविटी के वन है और दूसरे मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी के टू के बराबर है, और अगर आप इन दोनों मटेरियल्स की अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटीज को लेकर चलेंगे तो ऑब्वियसली बेटे हीट का फ्लो जो है बिकॉज वो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ ही फ्लो करेगी, तो इस पर्टिकुलर इस ब्लॉक में ये पार्ट ऑफ द ब्लॉक आपका जो है इसमें आपका हायर और ये लोअर टेम्परेचर है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू के वन पहले मटेरियल ऑब्जेक्ट की थर्मल कंडक्टिविटी, ए इसका एरिया, ये जो आप देख रहे हो फार एंड का फेस का एरिया, टी वन या थीटा वन माइनस थीटा नॉट अपॉन दिस थिकनेस एक्स वन। ऐसे ही आपने इन दोनों फेसेस के लिए आपका जो हीट का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है ये निकाल लिया, दिस इज माइनस के टू इसकी कंडक्टिविटी, ए इसका एरिया, थीटा नॉट हायर टेम्परेचर, थीटा टू लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाई एक्स टू। फिर आपने बेटे लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, राइट हैंड साइड्स को आपने इक्वेट कर दिया, देन आपने बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनको, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको देखिएगा ध्यान से, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग आपका एक्स टू इधर मल्टीप्लाई हो गया, एक्स वन इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो यू आर गेटिंग दिस इक्वेशन। अब बेटे हीट ट्रांसफर जो है इसका रेट निकालने के लिए बड़ा जरूरी है कि आपको इंटरफेस का टेम्परेचर थीटा नॉट पता हो। इंटरफेस का टेम्परेचर थीटा नॉट निकालने के लिए आपने ये जो दोनों इक्वेशंस आमने सामने लिखी हैं, जो भी इनमें से कॉमन पैरामीटर्स हैं उनको आप कैंसिल आउट करिए, और जस्ट आफ्टर रीशफलमेंट आपने थीटा नॉट जो है इंटरफेस का टेम्परेचर बेटा ये निकाल लिया। अब बेटे देखिए, बिकॉज आप हीट ट्रांसफर का रेट निकालना चाहते हैं, आप क्यू अपॉन टी निकालना चाहते हैं, जो आपने थीटा नॉट निकाला है उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। सो आइए बेटे इसको सब्स्टिट्यूट करें और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जो है इसको वर्कआउट कर लें कि हमारा जो क्यू अपॉन टी है किसके बराबर आ रहा है। इक्वेशन जो पहली आपने लिखी थी उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर लो, अगर उसमें नहीं करना तो दूसरी वाली जो आपने लिखी है उसमें भी कर सकते हो, इट इज गिविंग द सेम रिजल्ट इन द एंड। आइए देखें एक बार बेटे एडजस्टमेंट करके वैल्यूज पुट करके देखते हैं। सो ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा माइनस के वन इन टू ए अपॉन एक्स वन, ये चीज आपके पास ऐसे पड़ी है, इसको हमने कुछ भी नहीं कहा। और डियर चिल्ड्रन ये थीटा वन माइनस थीटा नॉट, ये थीटा नॉट आपने निकाल रखा है ऑलरेडी, थीटा नॉट है ए वन एक्स टू थीटा वन प्लस के टू एक्स वन थीटा टू डिवाइडेड बाई बेटा
कि ये 2x1 प्लस k1 एंड बेटी x2। अब आप इनको टर्म्स को थोड़ा सा बेटा सॉल्व कर दीजिए आफ्टर रीशफलमेंट। क्यू अपॉन टी आपके पास बच्चों बन गया जी ये के वन इंटू ए अपॉन एक्स वन। इसके साथ हमने अभी तक कोई भी चेंज नहीं किया, जो बाहर चीज है इसको ऐसे छोड़ दिया। इन द ब्रैकेट जब आप सॉल्व करोगे आपके पास बच्चों के टू एक्स वन प्लस के वन एक्स टू डी एच इंटू एलसीएम आ जाएगा, और ये थीटा वन आपके पास इनके साथ मल्टीप्लाई होके आपको ये दे देगा के टू एक्स वन थीटा वन प्लस के वन एक्स टू थीटा वन। और ये नेगेटिव साइन जब आप इंट्रोड्यूस करोगे तो बेटे ये नेगेटिव साइन की वजह से यहाँ पे भी साइन में चेंज आ जाएगा, इट विल बी के वन एक्स टू थीटा वन माइनस के टू एक्स वन एंड बेटे थीटा टू। ये चीज आपके पास बन जाएगी। थोड़ा सा अगर आप फोकस करें एक्सप्रेशन पे तो ये टर्म और ये टर्म देखिए बेटा ये सेम टर्म्स है लेकिन इनका साइन अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो डियर चिल्ड्रन ये दोनों टर्म्स आपकी कैंसल आउट हो जाएंगी एंड बाकी चीज हमारे पास हीट ट्रांसफर के रेट के रिगार्डिंग जो बची है दैट इज इक्वल टू माइनस के वन इंटू ए अपॉन एक्स वन। और ये आपके पास आ गया जी के टू एक्स वन थीटा वन एंड दिस इज नेगेटिव साइन बेटे ओवर हियर, दिस इज के टू एक्स वन एंड बेटे थीटा टू। इन द डिनोमिनेटर हमारे पास के टू एंड एक्स वन प्लस के वन एंड एक्स टू ये चीज बन गई। इस ब्रैकेटेड क्वांटिटी में आपके पास के टू और एक्स वन बेटे जो है दोनों में ही है, इसको भी आप एडजस्ट करके बाहर निकाल सकते हैं ब्रैकेट से। और आइए देखें व्हाट डू वी गेट जब आप इसको आउटसाइड दिस ब्रैकेट एडजस्ट करोगे आपके पास बेटे बनेगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है क्यू अपॉन पी बेटे। ये आपके पास आ गया जी ये नेगेटिव साइन एस एच के वन एस एच ए एस एच ए को हमने कुछ नहीं कहा, और ये आपके पास के टू एक्स वन भी आपने कॉमन निकाल लिया के टू एक्स वन, और इन द ब्रैकेट आपके पास थीटा वन माइनस थीटा टू यही टर्म रह गई है, और डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स वन और दिस इज बेटे यूर के टू एक्स वन प्लस के वन एंड एक्स टू ये चीज बची। एक्स वन डियर चिल्ड्रन आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। एक्स वन कैंसिल आउट करने के बाद अगेन देखिए आप अपनी टर्म्स को रीशफल कर सकते हो बेटा। आप ये के वन और के टू इसके साथ डिवाइड कर दीजिए डिनोमिनेटर को थ्रू आउट, आपके पास आ जाएगा क्यू अपॉन टी दिस इज इक्वल टू माइनस ए, और ये आपके पास बन गया जी थीटा वन माइनस थीटा टू। इन द डिनोमिनेटर ये टर्म थी आपके पास के टू एक्स वन प्लस के वन एक्स टू, इन द डिनोमिनेटर इनके मैंने के वन एंड के टू ऐसे लिख दिया। इससे फिर आपका वो एक सिस्टेमेटिक रिलेशनशिप बन जाएगा q अपॉन t दिस इज इक्वल टू माइनस a थीटा वन माइनस थीटा टू, और ये देखिएगा k टू एक्स वन अपॉन के वन के टू जब आप करोगे अलग अलग कर लीजिए, आई जस्ट मीन टू से दैट k टू एक्स वन अपॉन के वन के टू प्लस के वन एक्स टू अपॉन के वन के टू। तो के टू कट गया के वन कट गया और आपके पास बेटे जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है लेट मी रीराइट द एक्सप्रेशन, ये आपको हीट ट्रांसफर का रेट दे देता है। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर बेटा, आपका जो हीट ट्रांसफर है इसका जो रेट है क्यू अपॉन टी
it will be beta. See this. This is minus A and theta 1 minus theta 2 denominator mein K1. Ye term pehle likh raha hu bete mein. Ye wali. X1 upon K1. Not K1. X1 upon K1 plus X2 upon K2. So bete is tarike se aap apna heat ट्रांसफर का जो रेट है ये वर्कआउट कर सकते हैं कंपोजिट स्लैब के केस में. और ये कोई ज्यादा बेटे लेंथी या मुश्किल वाली चीज नहीं, सीधी सीधी सी बात है. इसमें कोई इतना ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है. अ लिटिल बिट मैथमेटिक्स इज नो डाउट इन्वॉल्व्ड, बट बेसिकली आप जो आपका थर्मल कंडक्शन वाला रिलेशनशिप है उसको अडॉप्ट करके सीधा इसको सॉल्व कर सकते हैं. So I suggest all of you कि एक बार इसको बेटे खुद जरूर करके देखिएगा, लिख के देखिएगा, उससे फिर ये सारी मैथमेटिकल जो एक्सप्लेनेशन है आपके एक बार हाथ में से निकल जाएगी तो आपको कभी ये भूलेगा नहीं. इसके बाद बेटे हमने आपको याद होगा मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में ये सारे का सारा आपका कंडक्शन के साथ रिलेटेड था. कन्वेक्शन और रेडिएशन में थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं. Then we will come to the black body, beta, Faraday's black body. Faraday's black body क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन उससे पहले कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं, रेडिएशन क्या है और किस तरीके से हम बेटा विदाउट द मीडियम भी इस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के साथ जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हीट कर सकते हैं. Let us focus upon that beta. Convection क्या चीज है बेटा. Convection हमारा B type था. Convection ये बेटे heat transfer का mode liquids में जो है notice किया गया है. Convection बेटे जो है it is the mode of heat ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स और फ्लूइड्स भी आप कह सकते हो. इसमें बेसिकली बेटे होता क्या है, एक हम अगर छोटा सा एग्जांपल लेकर बेटे देखें, एक बीकर इमेजिन कर लेते हैं. इस बीकर में हमने जैसे आपको याद होगा एक ट्राइपॉड स्टैंड इमेजिन किया या एक आप सिंपली स्टैंड इमेजिन कर लीजिए. इस स्टैंड पे आपने एक टब इमेजिन करिए, ये रख दिया है पानी का और इसमें होल वाटर आपने प्लेस कर रखा है. टब ऑफ वाटर है. इस टब ऑफ वाटर में द वाटर इज फिल्ड अप टू द टॉप इन दिस वे और आपने इसको विद द हेल्प ऑफ द बर्नर हीट करना स्टार्ट कर दिया दिस वे. दिस वे जब आप हीट करना स्टार्ट कर देते हो बेटे तो एट द बॉटम जिस जगह पर डायरेक्ट आपका जो इम्पैक्ट है हीट का वो हो रहा है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के या आप ये कह लीजिए कि लोअर पार्ट में लिक्विड ने हीट एनर्जी गेन की. और आपने ऑलरेडी ये डिस्कस कर रखा है कि जब आप लिक्विड्स को हीट करते हो दे एक्सपेंड और उनकी डेंसिटी कम होती है. अगर यहाँ पे लिक्विड का एक्सपेंशन होगा या आप ये कह लीजिए कि डेंसिटी कम होगी तो ये जो लाइट पार्टिकल्स हैं दे विल स्टार्ट मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द डिक्रीज्ड डेंसिटी. और जो ज्यादा डेंसिटी वाले हैं ग्रेविटी की वजह से दे विल स्टार्ट गेटिंग अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो इस तरीके से बेटे आपका इसमें एक जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के इनके बीच में इस तरीके का मोशन डेवलप हो जाता है. इसको बोल देते हैं बेटे कन्वेक्शन करंट. दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन, कन्वेक्शन करंट. और इस तरीके से बेटे आपके इस कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स खुद ट्रेवल करके हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ चले जाते हैं एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका सारा लिक्विड जो है इट विल बिकम हॉट. So, convection, it is a mode of heat transfer. It is generally seen in the case of the liquids beta or the fluids.
एंड व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ द लिक्विड्स और फ्लूइड्स इज दैट द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम और द लिक्विड दैट बिकम्स लेस व्हेन द डेंसिटी विल बिकम लेस दे विल मूव टुवर्ड्स द टॉप एंड इन द प्लेस ऑफ दीज हैवी दीज लाइट पार्टिकल्स जिस जगह से ये रिप्लेस हो रहे हैं वहां पे हैवी पार्टिकल्स ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मूव करना स्टार्ट कर देंगे एक सॉर्ट ऑफ कन्वेक्शन करंट जो है वो बन जाता है इसकी हेल्प के साथ आप अपना सारे का सारा लिक्विड जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हीट कर सकते हैं सो दिस इज द सेकेंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर थर्ड वाला था आपका रेडिएशन बिटवीन रेडिएशन डियर चिल्ड्रन रेडिएशन जो है ये प्रोबेबली बेटा गैसेस में नोटिस किया जाने वाला मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है बेटा इसमें हम ये कह देते हैं कि हीट डायरेक्टली एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कर जाती है विदाउट द नीड ऑफ द इंटरवीनिंग मीडियम या विदाउट द मूवमेंट ऑफ द मीडियम भी आप कह सकते हो बेटा और आपका जो मीडियम है उसमें भी किसी भी तरीके की हीट जनरेट नहीं होती है सो डियर चिल्ड्रन यू कैन से दैट कि रेडिएशन जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट हीटिंग द इंटरवीनिंग मीडियम और ये मोड प्रोबेबली बेटे गैसेस में नोट किया जाने वाला मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है सो आइए इसको डिफाइन कर लें एक बार बेटे रेडिएशन जो है इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर नोटिस्ड इन द केस ऑफ गैसेस बेटा और यहां आप ये भी कह लीजिए इन द केस ऑफ गैसेस और इन दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बेटा द हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट विदाउट हीटिंग द इंटरवीनिंग मीडियम बेटा विदाउट हीटिंग द विदाउट हीटिंग द मीडियम लिख लीजिए सिंपली विदाउट हीटिंग द मीडियम इसमें बेटे बेसिकली इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपकी जो अर्थ के ऊपर सन की रेडिएशन पहुंच रही है वो डायरेक्टली बेटा विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आप तक पहुंच जाती है आप डायरेक्टली ये कन्वे कर सकते हो कि यहाँ पे अगर सन है और यहाँ पे आपका अर्थ है तो देखिए मीडियम आपके एटमोस्फियर के आगे है कोई नहीं है तो यहाँ से अर्थ तक जो हीट रेडिएशंस आ रही हैं ये बेटा हीट जो आपकी अर्थ को ट्रांसफर हो रही है इट इज बाय द मोड ऑफ रेडिएशन जितना भी हीट का ट्रांसफरेंस हो रहा है ये इट इज ऑल बाय द योर रेडिएशन मोड ऑफ हीट कंडक्शन बेटे सो इसके बाद बेटे डियर चिल्ड्रन थोड़ी सी बात करके देखेंगे हम हमारे पास इसके बाद बेटे ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट आ जाता है लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म ब्लैक बॉडी बेटा जब भी आप बेटे किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट को हीट कर देते हो तो उस केस में बेटा जितनी भी आप हीट सप्लाई करते हो आपका मटेरियल ऑब्जेक्ट कुछ हीट को रिटेन करता है कुछ हीट को रिफ्लेक्ट बैक भी कर देता है लेकिन जब आप ब्लैक बॉडी की बात करेंगे बेटा या परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करेंगे तो ये बेटे कोई भी अमाउंट ऑफ हीट अगर आप इस बॉडी को सप्लाई कर देंगे ये उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा ये उसको जितनी भी आपने हीट दी है उसको रिटेन कर लेगा और उस केस में हम कह देते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है अब्रप्टली राइज कर जाता है सो डियर चिल्ड्रन
परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है इट इज द वन इन विच द अब्सॉर्प्शन ऑफ ऑल द रेडिएशन इट हैपेंस बेटा. इंसिडेंट रेडिएशन जितनी भी आपने ब्लैक बॉडी के ऊपर फोकस की है उसका सारी की सारी एनर्जी का हीट एनर्जी का अब्सॉर्प्शन हो जाता है. एक बार थोड़ा सा और देखें बेटा, ब्लैक बॉडी हम कहते किसको है बेटा? कोई भी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको जी ब्लैक कलर कर देंगे तो ब्लैक बॉडी बन गई, ऐसा नहीं है. कोई भी बॉडी जिसके ऊपर आप बेटे रेडिएशन को इंसिडेंट कर रहे हैं, रेडिएशन आपकी किसी भी वेवलेंथ की हो सकती है, कोई भी प्रेफर्ड वेवलेंथ नहीं है, किसी भी वेवलेंथ की आपने रेडिएशन फोकस की किसी बॉडी पर और अगर वो पूरे का पूरा रेडिएशन अब्सॉर्ब हो जाता है, वी से दैट हमारा बॉडी जो है ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है. सो आइए बेटे एक बार डिफाइन करके देखें. ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज वन, लेट अस से ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज द बॉडी विच absorbs all the incident radiation on it. तो वेवलेंथ बेटी कोई भी हो सकता है, जितना भी आपने इसको इंसिडेंट किया है रेडिएशन को वो सारे का सारा बेटे जो है अब्सॉर्ब हो जाता है. तो ना तो ये ट्रांसमिट करता है और ना ही ये बेटे रिफ्लेक्ट बैक करता है. लैम्प ब्लैक और प्लेटिनम ब्लैक इसके बड़े अच्छे एग्जांपल्स हैं बेटा. जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है बेटा इट डज नॉट ट्रांसमिट हीट. ऐसा नहीं है कि इसने हीट ले ली फिर ये खुद उसको ट्रांसमिट कर देगा, ऐसा नहीं है. इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है बेटा लैम्प ब्लैक. लैम्प ब्लैक और एक एक टर्म आती है बेटे प्लेटिनम ब्लैक, दैट इज आल्सो अ गुड परफेक्ट ब्लैक बॉडी बेटे. प्लेटिनम ब्लैक बेटा. तो ये ब्लैक बॉडी बिकॉज बेटे सारी की सारी इंसिडेंट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती है, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज अ ब्लैक बॉडी. सो डियर चिल्ड्रन, इस ब्लैक बॉडी की फिर जो स्ट्रक्चरल सेटअप है और इसकी अब्सॉर्प्टिव पावर कितनी है, रिफ्लेक्टिंग पावर कितनी है और पावर ऑफ ट्रांसमिशन कितना है, ये डियर चिल्ड्रन से नेक्स्ट टाइम बात करेंगे. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे. किसी भी बेटे स्टूडेंट को कोई बात नहीं पता चली तो यू आर मोस्ट वेलकम. मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, एनी वन इफ हैविंग एनी पॉइंट That needs the discussion between. ठीक है बेटे, ओके बेटा, थैंक यू ऑल बेटे, थैंक यू बेटा.